टू माई चैनल वंस अगेन, दिस इज शिवांगी। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो टाइटल एंड थंबनेल से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो या गाइज, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माई चैनल। सो फाइनली आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होम टूर। तो गाइज, स्टे ट्यून इन द ब्लॉग। इनकेस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर। इस अपार्टमेंट में हमने शिफ्ट किया था फेब्रुवरी 2023 में एंड अब चल रहा है अक्टूबर 2023। तो ऑलमोस्ट इट्स बीन 7 months। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद माई होम टूर। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ आवर हाउस। वेलकम, आ जाइए अंदर। ड्राइंग रूम में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है ये ब्यूटीफुल सी टीवी यूनिट जो कि हमने बनवाई है बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे डिजाइंस चूज करने के बाद। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्बल लुक में सनमाइका है। एक्चुअल में HDHMR बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर सनमाइका जो है उसको लगाया गया है। सो गाइस, यहाँ पे करती है हमारी टीवी यूनिट। इसके साइड पे इस तरह से ये बॉर्डर वाला फ्रेम जो है ये बाद में फिक्स हुआ है। इस मॉडल का नाम है द फ्रेम, बिकॉज आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई फोटो फ्रेम है, बट दिस इज एक्चुअली अ टीवी जिसका नाम है सैमसंग द फ्रेम। तो इसके बाहर हमने यहाँ पे लगवाया है एक और बोर्ड, उस बोर्ड के ऊपर फिक्स किया गया है फैब्रिक। सो गाइज, ये है PVC फैब्रिक जो कि ग्रे कलर में है। ये फैब्रिक काफी ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है और इसका जो फिनिश है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो यही वाला फैब्रिक जो है हमने नीचे स्टोरेज यूनिट कम शोकेस यूनिट में यूज किया है। सो यहाँ पे हमारी 4 स्टोरेज ड्रॉर्स हमें मिली हैं। इसके पीछे हमने लाइट भी फिक्स करवाई है जिसका इफेक्ट कुछ इस तरह का आता है। सो गाइस, मूविंग ऑन टू दिस कॉर्नर ऑफ आवर टीवी यूनिट, हमने यहाँ पे यूज किए हैं चारकोल पैनल्स जो कि आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग में है और इनमें भी काफी अच्छी अच्छी वैरायटी जो है वो मार्केट में मिल रही है। हमने चूज किया है ये चॉकलेट ब्राउन कलर जो कि हमारे इस पूरे ही वॉल को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये जो हमारा इंटीरियर है। तो जो भी आपका फीडबैक होगा वो आप मुझे जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 2 प्लांट्स रखे हुए हैं, इंडोर प्लांट्स। यहाँ पे भी कुछ डेकोरेट नहीं किया है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो चीजें तोड़ते फोड़ते रहते हैं, तो हमने अभी फिलहाल इस एरिया को खाली रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक अगेन यहाँ पे एक शेल्फ लगवाई है और इसको हमने डेकोरेट कर दिया है। साइड में यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ब्यूटीफुल लाइट्स लगी हुई हैं, इनसे भी यहाँ का जो लुक है ना वो एकदम मस्त आ रहा है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारा काउच। हमने लिया है 5-सीटर काउच, 3-सीटर यहाँ पे और 2-सीटर यहाँ पे। ये जो काउच है ये हमने लिया है जेल रोड मार्केट से जो की दिल्ली में है, बहुत ही फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने कस्टमाइज करवाया है। और इसके साथ में जो टेबल आप देख रहे हैं ये भी हमने जेल रोड से लिया है। सेंटर टेबल के ठीक बीच में हमने रखा हुआ है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये आर्टिफिशियल प्लांट है बट इसका जो लुक है ना वो रियल से भी ज्यादा अच्छा होता है। तो हमारे ड्राइंग रूम से हमें मिलता है डायरेक्ट व्यू जो है हमारे बाहर की रोड का, प्लस जो हमारी बालकनी है उसमें आप देख सकते हैं हमने काफी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, बिकॉज हमें प्लांट्स लगाने का बहुत ज्यादा शौक है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को जो ये वीडियो अभी शूट कर रहे हैं। ये सारा ही जो कॉर्नर है ये उनको डेडिकेटेड है। सो गाइस, यहाँ पे हमने इस तरह से शीयर कर्टन यूज किए हैं और कॉम्बिनेशन भी हमने बहुत ध्यान से यूज किया है, ये बिल्कुल सर्कल कलर यूज किया है। और ये कर्टन देख सकते हैं ये हमने लिए हैं डी डेकोर से, तो ये भी हमने कस्टमाइज करवाए हैं। कर्टन्स के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ब्लैकआउट फैब्रिक लगवाया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे लाइट जो है वो बहुत ज्यादा आती है इस अपार्टमेंट में, लाइट की कोई कमी नहीं है। तो दिन के टाइम पे जब हमें लाइट नहीं चाहिए होती है तो हम इनको बिल्कुल बंद कर देते हैं, इवनिंग का व्यू होता है तो उस टाइम पे हम सिर्फ इन कर्टन्स को ओपन करके रखते हैं तो काफी अच्छा लुक आता है बाहर का। तो यहाँ पे हमारा ये ब्यूटीफुल सा इनडोर प्लांट जो है हमने अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट संडे को ही हम लोग लेके आए थे, तो इसको लगाने से हमारे रूम की वाइब्स जो है वो एकदम से एस्थेटिक हो चुकी है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इस प्लांट को ऐड करने के बाद। मुझे इतना आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का बट मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा आइडिया है, तो वो इस तरह के जो प्लांट्स वगैरह है ना वो सब उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे घर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे आ जाते हैं हमारे चारकोल लूअर्स, जिससे कि हमारा ये वाला कॉर्नर भी बहुत ही बहुत ही बहुत सुंदर लगता है। और स्पेशली यहाँ पे जब मैं अपनी रील्स बनाती हूँ या फिर फोटोज क्लिक करती हूँ ना तो वो भी बहुत अच्छी आती है इस कॉर्नर पर। सो ये मेरा एक फेवरेट कॉर्नर है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऐड किए हैं ये हैंगिंग आर्टिफिशियल फ्लावर्स। सो गाइस, डीटी सिटी सेंटर मॉल गुड़गांव में एक बहुत ही अच्छी शॉप है जिसमें इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स की काफी अच्छी कलेक्शन है। तो ये वाले हैंगिंग फ्लावर्स और ये वाला जो पीस है ये दोनों ही हम वहां से लेकर आए थे, और वहां का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिकॉज अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो जब मैं व्लॉग एडिट करूंगी तो
पक्का से उनकी लिंक्स आपको दे दूंगी। सो गाइस अभी मैंने आपको दिखाया अपने ड्राइंग रूम का लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं आपको दिखाती हूँ राइट हैंड साइड पे हमने क्या करवाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगेन यहाँ पे हमने ब्लैक चारकोल लूवर्स ऐड किए हैं एंड एमसीबी इलेक्ट्रिकल बॉक्स सब कुछ इसके अंदर है। तो ये जो कॉर्नर है इसको हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और ये हाइड हो जाता है इन लूवर्स के अंदर। तो ये हम लेकर आए थे गोवा से, जब हम गोवा गए थे, तो ये हमारी गोवा की मेमोरी। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इधर है हमारा शू रैक। सो गाइस दिस इज सनमाइका जो इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये हमने कस्टमाइज करके बनवाया है। एंड इसके ठीक ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अगेन एक मिरर आ जाता है। लाइट्स मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे जो है हमने लाइट इसके पीछे फिक्स करवाई हुई है, सो दैट जब भी आप घर में आओ तो आप अपने आप को देख लो, घर से बाहर जाते हुए आप अपने आप को देख सको। तो इसलिए ये जो है ये मिरर हमने बिल्कुल लास्ट में बनवाया था, पहले इसका कोई हमारा प्लान नहीं था लेकिन लास्ट में हमने ये भी ऐड करवा दिया। हो गया हमारा शू रैक, ये है किड्स रूम, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले लिविंग रूम कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने अगेन एक प्लांट रखा हुआ है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो ये इंडोर है प्लस इसमें कोई लीव्स नहीं आते हैं, ये इसी तरह से रहता है। गाइस यहाँ तक हमारा सोफा आ जाता है और सोफा के ठीक ऊपर आपको दिखाई देगा ये ब्यूटीफुल सा शैंडलियर। हमारे घर में जो चार चांद लगे हैं ना वो इस शैंडलियर की वजह से लगे हैं। ये जैसे ही ऑन होता है एकदम से जो रूम का पूरा एम्बियंस है ना वो चेंज हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो मेरा एक ड्रीम था कि जब हमारा अपना घर होगा तो हम एक बहुत ही सुंदर सा शैंडलियर लगाने वाले हैं, तो वो ड्रीम यहाँ पे पूरा होता है। जो फैंसी लाइट स्टोर है ये पूरे ही गुड़गांव में जितने भी शॉप्स हैं, घिटोरमी में शॉप्स हैं, वहां सब जगह सप्लाई करते हैं। तो हमें काफी सही रेट्स पे मिल गए हैं ये सारे ही जो हमारे घर की लाइट्स हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी अंदर रूम्स में भी हमने बहुत अच्छी अच्छी फैंसी लाइट्स यूज की हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। सो गाइज आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे घर में आपको रोज गोल्ड एंड गोल्डन कलर्स का टच दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारी पर्सनल चॉइस थी। हम चाहते थे कि इस तरह का कुछ एक थीम अपने घर में रखेंगे बिकॉज गोल्डन से काफी क्लासी वाली वाइब्स आती हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारी फोर सीटर ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल। तो गाइज ये जो स्टोन आप इसके टॉप पे देख रहे हैं दिस इज ऑनेक्स, चेयर जो है काफी हैवी है। सो ये डाइनिंग टेबल हम लेके आए हैं जेल रोड से। सो गाइज यहाँ पे आ जाती है हमारी ब्यूटीफुल शोकेस कम क्रॉकरी यूनिट कम स्टोरेज यूनिट। तो गाइज हमने काफी सारे इंटरनेट से डिजाइन निकाले थे अपने घर को डिजाइन करने के लिए। जो हमारे डिजाइनर थे उनको हमने जैसे भी पिक्चर्स दिखाई ना उन्होंने एज इट इज सेम टू सेम हमें काम करके दिया है। ये रोज गोल्ड ग्लास जो कि डायमंड शेप में है और इस तरह का काम भी आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये सारे ही लेटेस्ट डिजाइन है, तो अगर आप लोग भी अपने घर के लिए कुछ अच्छा सा डिजाइन देख रहे हैं तो आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इंटरनेट से काफी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफी आइडियाज मिलने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको हमारे घर से भी कुछ आइडियाज तो मिल ही जाएंगे क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है पूरे घर को डिजाइन करने के लिए। और हमने किसी को हायर नहीं किया था कि कोई हमारे घर को आके डिजाइन करे, हमने सोचा था कि हम खुद ही करने वाले हैं ये काम, तो बस उसी से एक पर्सनल टच आता है घर में। तो यहाँ पे हमारे तीन ड्रॉर्स, यहाँ पे भी ये है जो यहाँ पे हमने कुछ क्रॉकरी रखी हुई है, एसी यूनिट, यहाँ पे हमने कुछ अपने गिफ्ट्स रखे हुए हैं जो हमें हाउस वार्मिंग के टाइम पे गिफ्ट मिले थे, ये हमारी पिक्चर्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉर्नर ये देख सकते हैं, तो ये है हमारी क्रॉकरी यूनिट कम शोकेस, इसमें भी हमने अपनी काफी ज्यादा क्रॉकरी रखी हुई है। तो गाइज ये हमारे घर का मोस्ट लाइवली कॉर्नर है क्योंकि यहाँ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसी एरिया में आपको दिखते होंगे जब भी आप हमारे रील्स वगैरह देखते हो, तो ये बहुत ही लाइवली कॉर्नर है और मेरा पर्सनली फेवरेट कॉर्नर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं पिक्चर्स लेती हूँ, यहाँ पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो इस कॉर्नर पे हमने ज्यादा सामान नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे एक डिफ्यूजर है, एक शोपीस है जो कि मैं अगेन पंजाब मार्केट से लेके आई हूँ। यहाँ पे है एक सेंटेड कैंडल। सो गाइस ये देख सकते हैं ये हमारा टी लाइट होल्डर है, ये हमने लास्ट ईयर लिया था और ये पूरा मैच कर रहा है हमारी थीम के साथ जा रहा है यहाँ पे, तो गोल्डन गोल्डन सब कुछ आपको गोल्डन। इस घर में लाइट की कोई कमी नहीं है, अगर हम पूरा दिन लाइट्स ऑन ना करें और इस तरह से कर्टन्स खोल दें तो लाइट ही लाइट रहती है सारा दिन। सो बस जब हमें लाइट नहीं चाहिए होती है तो हम कर्टन्स को बंद कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे शीयर कर्टन्स और यहाँ पे प्लेन कर्टन्स यूज किए हैं बिकॉज प्लेन कर्टन्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। कर्टन्स का फैब्रिक चूज करने में भी हमें काफी टाइम लग गया, हमने बहुत सारे स्टोर्स विजिट किए, मटेरियल देखा, क्वालिटी देखी और डिजाइंस पसंद किए, बट फाइनली हमने डी डेकोर से सारे कर्टन्स बनवाए हैं। सो गाइस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट ये लंबा चलने वाले हैं और ये मटेरियल जो है ना ये जो भी कोई देखता है वो जरूर पूछता है एक बार कि आपने कर्टन्स कहाँ से लिए हैं, तो ये कर्टन्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और पूरा हमारे जो रूम का इंटीरियर है उसके साथ मैचिंग जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप डाइनिंग टेबल का कलर प्लस हमारे कर्टन्स का कलर और ये वाला जो कंट्रास्ट है ये बहुत ही अच्छा लगता है।
सो गाइज यहाँ से देख सकते हैं आप हमारी बालकनी का व्यू। बाहर हमने ग्रास लगवाई हुई है आर्टिफिशियल, तो हमारी बालकनी के जो डायमेंशन है वो है 7 feet इसकी विड्थ है और 35 feet इसकी लेंथ है। तो काफी अच्छी लंबी चौड़ी बालकनी है और बालकनी टूर मैं आपको बहुत जल्दी करवाऊंगी। आज सिर्फ हम होम टूर कर लेते हैं इनसाइड, आउटसाइड का टूर जो है वो बहुत ही जल्दी आएगा आप लोगों के लिए। ओके गाइस, तो ये वाला कॉर्नर हमारा रह गया है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप जो हमारा शैंडलियर है उससे बिल्कुल मैचिंग की यहाँ पे हमने लाइट लगवाई है और उसके नीचे हमारे यहाँ पे कुछ फोटो फ्रेम्स है, ये हमारी कुछ प्यारी प्यारी सी मेमोरीज जो है हमने कैप्चर की हुई है यहाँ पे, ये सब हमने लगा रखी है। और यहाँ पे है हमारा वॉलपेपर और ये 1, 2 और वहाँ पे थर्ड वॉल, इन सारी ही वॉल्स पे हमने वॉलपेपर यूज किया है। ये वॉलपेपर भी हमारे गोल्डन प्लस हमारे कर्टन से अच्छा खासा मैच कर रहा है, तो काफी पूरा ही लुक एकदम से अच्छा आता है पूरे रूम का। लिविंग रूम का टूर तो मैंने आपको करवा दिया है, अब चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। सो आइए मेरे साथ। सो वेलकम टू आवर मास्टर बेडरूम, मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ। सो गाइस, दिस इज द मास्टर बेडरूम। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर जो है वो लगवाया है, टेक्सचर वॉलपेपर है ये। और यहाँ पे आ जाती है हमारी एक फोटो वॉल, इसमें हमने अपनी कुछ प्यारी प्यारी मेमोरीज जो है वो स्टोर करके रखी हुई है। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड में है यहाँ पे हमारी वार्डरोब्स पे भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फैब्रिक यूज किया है, जिस तरह का फैब्रिक आपको मैंने बाहर लिविंग रूम में दिखाया था ये डिफरेंट कलर में है। ये जो फैब्रिक है ये पीवीसी फैब्रिक होता है और इसका जो लुक है वो देख सकते हैं आप कितना सुंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा फुल लेंथ मिरर और यहाँ पे हमने लाइट्स लगवाई है। दिस लाइट्स आर अगेन फ्रॉम फैंसी लाइट्स, ये है वार्म व्हाइट, दिस इज नेचुरल व्हाइट एंड दिस वन इज येलो। सो गाइस, इस तरह की फुल लेंथ मिरर की काफी रिक्वायरमेंट थी मुझे कि एक ड्रेसिंग एरिया के साथ इस तरह का एक मिरर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सा मिरर उन्होंने बना के दिया है। सो गाइस, यहाँ पे है मेरी ड्रेसिंग कैबिनेट, इसमें मैंने अपना सामान जो है वो स्टोर कर रखा है, मेकअप बैंगल्स वगैरह वो सब कुछ इसमें है। इसका टूर आपको बाद में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा शोपीस हमें हाउस वार्मिंग पे मिला था, तो ये हमने लगाया हुआ है। अगेन हमारे डिफरेंट स्टाइल ऑफ लोअर्स आ जाते हैं और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल एक स्टाइलिश लाइट है जो की अगेन फ्रॉम फैंसी लाइट्स है। और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ग्रे, डार्क ग्रे, व्हाइट एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन यूज करके हमने ये वाली जो वॉल है ये रेडी करवाई है। यहाँ पे 3 जो है ये स्टोरेज यूनिट्स है, ऊपर भी रख सकते हैं बट हमने ऊपर ज्यादा सामान नहीं रखा हुआ है अभी, बिकॉज शॉल बहुत छोटा है वो चीजें छेड़ता रहता है, सो डैमेज ना हो इसलिए हमने यहाँ पे अभी कुछ नहीं रखा है, बट बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे शोपीस लाके रखेंगे। यहाँ पे हमने एक मनी प्लांट रखा हुआ है फिलहाल, ये वाला कॉर्नर हो गया है। देन यहाँ पे है मेरी वार्डरोब, यहाँ पे वार्डरोब पे भी देख सकते हैं आप अगेन वही वाला फैब्रिक हमने यूज किया है, ग्रेइश फैब्रिक है टेक्सचर में। सो गाइस, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ब्यूटीफुल रोज पिंक कलर के कर्टन्स। तो इसका जो ये जो फैब्रिक है ये वेलवेट में आप देख सकते हैं इस तरह से है और इसके साथ हमने पेयर अप किए हैं अगेन शीर कर्टन्स जो कि व्हाइट एंड पिंक के टच में है। जो बालकनी है ये सारे रूम्स के साथ अटैच है, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर ओपन करके हम बाहर जा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आ गया हमारा किंग साइज बेड और इसके कर्टन्स जो है वो मैचिंग है इसके साथ, तो ये पूरा ही रूम का जो थीम है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और बेडरूम की बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने दोनों साइड लाइट्स लगवाई है। तो वैसे जो लाइट्स हैं ये हमारे रूम को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, पिंक के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन एकदम ऑसम लगता है। इस रूम की जो वॉल है इस पे आप देखेंगे, पास आके देखेंगे तो ये जो है ये सनमाइका है, फैब्रिक लुक में है ये और ब्लैक एंड गोल्डन का टच दिया है हमने, सो काफी सुंदर लगता है ये वाला जो कॉर्नर है, साथ में हमारे बेड के साथ भी गोल्डन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल ये वाला जो रूम है ये अलग सा कुछ डिफरेंट लगता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो ये हमने यहाँ पे चूज किया है। उसके साथ में साइज में आप देख सकते हैं अगेन हमने एक डिफरेंट स्टाइल का लूअर यूज किया है। लूअर आपको हमारे घर में हर एक कॉर्नर में अलग तरह का दिखेगा, कहीं पे भी आपको सेम लूअर नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये वाले इस तरह के हैं और उस साइड पे जो है वो है थोड़ा गोल्डन टच में।
सो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाले जो लोअर्स हैं इनमें बीच में गोल्डन गोल्डन आपको स्ट्राइप्स दिख रही होंगी। सो गाइस एक चीज और है कि आपको हमारे घर में हर जगह प्लांट्स देखने को मिलेंगे, सो वही प्लांट्स वाला एलिमेंट जो है हमने अपने बेडरूम में भी दिया है। So this is our second bedroom. So इस room का जो aesthetic corner है वो है bed के back side वाली wall जिस पे हमने करवाई है French molding. तो ये French molding भी आजकल काफी trending है. Paint भी white color का है और उसके साथ जो frame है ये वाला French mold ये भी again white color का है. So guys किसी भी room को एक different look देने के लिए जो lights होती है ना उस room की वो बहुत important role play करती हैं. सो हमारे रूम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी जो लाइट्स हैं उनकी वजह से ये लाइट का इफेक्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइट का जो शेडो इफेक्ट है वो कितना सुंदर लग रहा है, प्लस ये हमारी जो वॉल है वो हाईलाइट हो रही है इन लाइट्स की वजह से। तो 3 स्पॉटलाइट्स हमने लगवाई है जो की ब्लैक एंड गोल्डन कलर में है, सेंटर में हमने एक अगेन फैंसी लाइट लगवाई है, यहाँ पे आ जाता है हमारा सी ग्रीन कलर का बेड जो की हमने लिया है फर्नीचर रीडिफाइन से, वेलवेट फैब्रिक में यहाँ पे ये बनाया गया है, इसके साथ यहाँ पे गोल्डन का कंट्रास्ट दिया गया है, गोल्डन स्ट्राइप लगाई हुई है और इस बेड के चारों तरफ आपको फैब्रिक दिखाई देगा जिससे इसको कवर किया गया है, और वहाँ पे एक साइड टेबल जो है वो भी इस बेड के साथ हमने ली है विच इज अगेन फॉर स्टोरेज। सो गाइस इस रूम का जो थीम है वो व्हाइट ब्लू टर्कोइश ब्लू कलर में आता है, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कर्टन्स इस तरह से, तो ये है, यहाँ से आ जाती है हमारी एक और बालकनी जो कि कनेक्टेड बालकनी है, हमारी यूटिलिटी बालकनी है पीछे, तो वहां जा सकते हैं हम यहाँ से खोल के डोर, बट हम इसको यूज नहीं करते हैं ये बंद ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे इस रूम में एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे बनवाई है स्टोरेज कैबिनेट्स, और ऊपर देख सकते हैं लॉफ्ट्स बनवाए हैं, और यहाँ पे अगेन हमने फैब्रिक का यूज किया है विच इज ग्रे कलर। यहाँ पे हमारी वॉल आ जाती है, काफी बड़ी वॉल है, इस पर 2 फ्रेम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, शौर्य के फ्रेम्स है ये, और यहाँ पे हमने लाइट लगवाई है विच इज फैंसी लाइट, यहाँ पे टीवी यूनिट हम कभी भी लगा सकते हैं बट फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है। देन यहाँ पे आ जाती है स्टोरेज यूनिट जिसमें 3 ड्रॉर्स हैं और इसके अंदर जो है वो कनेक्शंस हैं, सो वो कनेक्शंस को हमने अंदर ही रखा हुआ है और बाहर से इस तरह से ये दिखता है एक अच्छी सी ड्रॉर। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाती है हमारी स्टडी यूनिट जिसपे अभी हमने फिलहाल प्रिंटर रखा हुआ है, जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, सो दिस इज द स्टडी यूनिट। गाइज अब चलते हैं हमारे घर के मोस्ट लाइवली रूम में जहाँ पे हमेशा जो हमारे बच्चे हैं वो धमाल मचा के रखते हैं, तो आ जाइए। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी 3 कैबिनेट्स जो कि बच्चों को डेडिकेटेड है, इसके ऊपर वहाँ पे हमने लॉफ्ट बनवाया है जिसमें हमारा एक्स्ट्रा सामान जो है वो स्टोर है, प्लस यहाँ पे जो फैब्रिक है बहुत ही क्यूट सा बच्चों के रूम के साथ अच्छा मैच करता है, तो हमने यहाँ पे ये वाला फैब्रिक चूज किया। ओके गाइज तो इस रूम की लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पूरी वॉल पे बनवाई है ये कैबिनेट्स जो कि एकदम बच्चों के रूम वाला लुक इस रूम को दे रही है, इस तरह से यहाँ पे जो है काफी अच्छी स्टोरेज हमें मिल गई है, तो यहाँ पे हमने बच्चों के टॉयज वगैरह रखे हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा सामान स्टोर किया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो इस तरह से इन्होंने बटन दिए हुए हैं सो दैट ऐसे प्रेस करके ये बंद हो जाते हैं। तो वैसे ये सारा PU पेंट का काम है, और ये जो कैबिनेट्स है ये वाला ये जो डिजाइन है ये भी हमने ऑनलाइन देख के बनवाया था, ये कॉम्बिनेशन लाइट पिंक एंड लाइट ब्लू का बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत डार्क भी नहीं है बहुत लाइट भी नहीं। यहाँ पे जो है ये स्टोरेज है उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे हमें सिटिंग एरिया बना के दिया है, इस तरह से ये कुशन है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे आईवी ने अपना पियानो रखा हुआ है। सो गाइज यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सी स्टडी यूनिट उन्होंने बना के दी है, तो ये भी हमने ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन में रखी है, बहुत अच्छी सुंदर सी लगती है ये। यहाँ पे आ जाता है सॉफ्ट बोर्ड जो हमने अमेजोन से लिया है, इस पे आईवी की कुछ ड्रॉइंग्स वगैरह लगी हुई है, पीछे हमने वॉलपेपर जो है वो ब्लू कलर का करवाया है बिकॉज ये पिंक एंड ब्लू दोनों कलर्स के साथ अच्छा सूट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने ब्लू वॉलपेपर लगाया है। देन इस कॉर्नर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारी ये कर्टन है विच आर अगेन फ्रॉम डी डेकोर, तो यहाँ पे मतलब किड्स रूम के हिसाब से ये अच्छा प्रिंट हमें लगा, इसमें बर्ड्स बने हुए प्यारे से, तो हमने यहाँ पे कर्टन लगवाए हैं। कर्टन के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं 2 स्पॉटलाइट्स आपको दिखाई दे रही होंगी, कर्टन के ठीक साइड में यहाँ पे की चेन होल्डर है
आईवी को कीचेंस कलेक्ट करने का शौक है, तो उसकी सारी कीचेंस यहाँ पे हमने लगा रखी है। देख सकते हैं आप, एक ये कैबिनेट है, काफी क्यूट सा इसका डिजाइन है, तो ये हमने होम सेंटर से ली थी। इसमें भी आईवी की स्टोरेज रहती है, उसकी बुक्स, उसकी स्टेशनरी वगैरह सब इस अलमीरा में रहता है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा लाइवली सा बंक बेड, जिसपे बच्चों का सामान रहता है, बच्चे पूरा दिन यहाँ पे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे शौर्य देख सकते हैं आप, बहुत मस्ती करता है। फिर जो बंक बेड है इसमें स्टोरेज भी है, तो काफी ज्यादा सामान जो है वो हमारा स्टोर भी हो जाता है। प्लस यहाँ पे तीन ड्रॉर्स अलग से दी, देख सकते हैं बच्चों ने अपना बहुत सारा सामान रखा हुआ है, स्टोरेज, टॉयज, तो काफी मतलब अच्छा यूटिलिटी वाला ये बेड है। और यहाँ पे ये लैडर दिया हुआ है उस पर चढ़ने के लिए। शौर्य बंक बेड के जस्ट साथ में ही आ जाता है हमारा प्यारा सा मंदिर, जो कि मंदिर भी हमने अपना डिजाइन देके बनवाया है, तो इसमें लाइटिंग वगैरह जो वो पीछे फिक्स करी हुई है। तो ये है हमारा मंदिर, मंदिर का कंप्लीट टूर मैं आपको किसी और दिन करवाऊंगी, तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही देख लीजिए आप। सो गाइस, इसी के साथ होम टूर ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई रियली होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना, कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हैं, लाइक मुझे अपने घर के किसी कॉर्नर में कुछ नया ऐड करना चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, लॉट्स ऑफ लव।